हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम्स किचन। आज हम बिना साचा और बिना मावा के परफेक्ट मेजरमेंट से बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी ड्राई फ्रूट सूजी का घुघरा बनाएंगे। कई लोग इसे करंजी के नाम से जानते हैं, तो कई लोग इसे गुजिया कहते हैं। आप इसे एक महीना तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। घुघरा में भरने के लिए स्टफिंग बनाएंगे, तो एक टेबलस्पून देसी घी लिया है, इसे कढ़ाई में डाल देंगे। घी को थोड़ा गर्म करेंगे। एक चौथाई कप बेसन लिया है और ये 30 ग्राम जितना है ये डाल देंगे। धीमी आंच पे लगातार चला के बेसन को भुनेंगे। पहले से इसमें घी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, जितनी जरूरत पड़ेगी उतना हम घी इसमें डाल के बेसन को भुनेंगे। एक टेबलस्पून घी और डालेंगे। स्पैचुला पे बेसन लगेगा, इसे हम निकालते जाएंगे और बेसन को भुनेंगे। बेसन जैसे जैसे भुनता जाएगा वैसे घी सेपरेट होता जाएगा। आप देख सकते हैं पहले बेसन एकदम गाढ़ा लग रहा था, अभी ये कितना लूज हो गया है। बेसन एकदम हल्का और फ्लफी हो जाएगा तब तक हम इसे भुनेंगे। धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट इसे भून लिया है और बेसन का थोड़ा कलर चेंज हो गया है और इसकी भुनने की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। यही कढ़ाई में 1/4 कप देसी घी डालेंगे और ये 50 ग्राम घी है। घी को गर्म करेंगे। इसमें 1 कप बारीक वाली सूजी डालेंगे, जिसे हम लड्डू बनाते हैं वही सूजी मैंने ली है। ये 175 ग्राम सूजी है। गैस की फ्लेम धीमी कर लेंगे और लगातार चला के सूजी को भुनेंगे। बेसन हमने भुना, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला था तो वो 20 ग्राम घी था और इसमें मैंने 50 ग्राम घी डाला है। सूजी को बहुत ज्यादा तेज आंच पे भुनना नहीं है, लो टू मीडियम के बीच में फ्लेम को रखेंगे और लगातार चला के इसे भुनेंगे। स्पैचुला पे इस तरह से सूजी लगेगी तो इसे हम चम्मच से निकालते जाएंगे ताकि ये भी साथ में भुन जाएगी। सूजी को 8 से 9 मिनट धीमी आंच पे भून लिया है और सूजी का थोड़ा कलर चेंज हो गया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। और इस तरह से हम चलाते हैं तो ये एकदम हल्का फील होता है, सूजी एकदम लाइट लग रही है। 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, सूखा नारियल का बुरादा, 15 से 20 पिस्ता को चॉपर में एकदम बारीक चॉप किया है, 15 काजू को भी चॉपर में चॉप किया है और 15 बादाम इसे भी चॉप किया है, 1 टेबलस्पून चिरौंजी ली है, ये सब अंदर डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे और धीमी आंच पे सूजी के साथ में थोड़ी देर के लिए इसे भुनेंगे तो ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भुन जाएगा। ड्राई फ्रूट्स को भी 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है और सूजी का एकदम लाइट ब्राउन कलर हो गया है। इसमें 1 टेबलस्पून किशमिश डालेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। पैन में ही इसे 30 सेकंड के लिए चलाते रहेंगे। बेसन हमने भून के निकाला था, इसमें ये सूजी का मिश्रण डाल देंगे। बेसन के साथ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन को सूजी के साथ अच्छे से मिक्स करना है, इस तरह से स्पैचुला से एकदम अच्छे से मिक्स कर देना है। 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक इसे ठंडा करेंगे। इसमें मैं 10 से 15 केसर के धागे डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके इसे एकदम ठंडा होने देंगे। घुघरा का डो बनाएंगे, इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और ये 250 ग्राम मैदा है। इसमें 3 टेबलस्पून मेल्टेड देसी घी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 टेबलस्पून घी और डालेंगे। घी को मैदा में इस तरह से मसल के अच्छे से मिक्स कर देना है और इसमें हम मोइन थोड़ा ज्यादा डालेंगे तो घुघरा एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। इस तरह से हम मुट्ठी बनाएंगे तो मैदा बाइंड होना चाहिए, इतना मोइन हमें इसमें डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बनाएंगे। मीडियम सॉफ्ट डो बना के रेडी करना है। डो को 2 मिनट अच्छे से मसल के एकदम स्मूथ बनाएंगे। इतना सॉफ्ट डो बना के रेडी करना है। डो बनाने के लिए 1 कप पानी लिया था, इसमें से 1/2 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। सूजी का मिश्रण एकदम ठंडा हो गया है तो इसमें 1/2 कप चीनी का पाउडर डालेंगे और ये 75 ग्राम चीनी का पाउडर है। सूजी का मिश्रण एकदम ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही इसमें चीनी का पाउडर डाल के मिक्स करना है। अगर थोड़ा सा भी गर्म होगा तो चीनी अपना पानी छोड़ देगी और मिश्रण एकदम लूज हो जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी का पाउडर का लम्स इसमें नहीं रहना चाहिए, एकदम अच्छे से मिक्स करना है। इसे टेस्ट करके देख लेंगे, अगर चीनी की जरूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा और डालेंगे। इसमें मैं 1/4 कप चीनी का पाउडर और डाल रही हूँ और ये 25 ग्राम चीनी का पाउडर है। टोटल मैंने 100 ग्राम चीनी का पाउडर डाला है।
आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। घुघरा में भरने का स्टफिंग रेडी है। डो को अच्छे से मसल लेंगे, इस तरह से लंबा रोल करेंगे और इसकी लोई बनाएंगे। लोई को इस तरह से चपटा करेंगे। बेलने के लिए एक लोई ले लेंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा के रखेंगे। इसे बेल लेंगे, मीडियम पतली पूरी बेलेंगे। इस तरह से मीडियम पतली पूरी बेलना है। एक ही साइज का घुघरा बनाने के लिए मैं इसे कटर से कट करूंगी। आप इसे कोई वाटी से भी कट कर सकते हैं। साइड का पोर्शन निकाल लेंगे और इसे आटे में मिक्स कर देंगे। पूरी हमने बेली है, इसके पीछे की साइड से इस तरह से हम दोनों साइड से थोड़ा फोल्ड कर देंगे। बीच में एक चम्मच जितना स्टफिंग रखेंगे। किनारे के साइड पर ये स्टफिंग लगना नहीं चाहिए, नहीं तो ये चिपकेगा नहीं। और इस तरह से चिपका देंगे। पूरी की दोनों किनारे इस तरह से सील कर देंगे। स्टफिंग को उंगली से इस तरह से अंदर दबाएंगे और ये दूसरी उंगली और अंगूठा से इस तरह से इसे चिपका देंगे। अगर ये चिपक नहीं रहा है तो आप किनारे के ऊपर पानी भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा पानी लगा के इसे चिपका सकते हैं। इस तरह से अच्छे से चिपका के घुघरा की डिजाइन बनाएंगे। अंगूठा और उंगली से इस तरह से दबाएंगे और फिर ये इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसे कांगरी कहते हैं। इस तरह से अंगूठा और उंगली से इस तरह से दबाना है और फिर इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है। और लास्ट का ये इस तरह से साइड का इस तरह से हम निकाल लेंगे। धीरे से इतना आटा निकाल लेंगे। इस तरह से घुघरा की कांगरी बनाएंगे। इस तरह से सभी घुघरा भर के हम रेडी करेंगे। घुघरा हम फ्राई करते हैं तो तेल में ये कई बार फूट जाता है और स्टफिंग तेल में पूरा बिखर जाता है और तेल भी खराब होता है। तो इसके लिए मैं एक आपको टिप्स देती हूँ। टूथपिक से इस तरह से एक छोटा सा होल कर देना है अंदर, इस तरह से दोनों साइड से एकदम छोटा सा होल करना है। तो हम तेल में फ्राई करेंगे तो ये घुघरा उसमें फूटेगा नहीं और अच्छे से फ्राई होगा। घुघरा को इस तरह से एक डिश में रखते जाएंगे। घुघरा को इस तरह से डिश में रख के गीला कपड़ा ऊपर इस तरह से ढक देंगे ताकि ये ड्राई नहीं हो जाएगा। घुघरा अगर ड्राई हो जाएगा तो तेल में हम फ्राई करेंगे तो ये फूट जाएगा और स्टफिंग पूरा बिखर जाएगा। तो इस तरह से गीले कपड़े से इसे ढक देना है। अगर आपको हाथ से घुघरा की कांगरी बनाना नहीं आता है, डिजाइन बनाना नहीं आता है, तो आप इस तरह से इसे अच्छे से चिपका के कांटा चम्मच से भी इसके ऊपर डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह से कांटा चम्मच से ऊपर इस तरह से दबा के डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह से भी आप डिजाइन बना सकते हैं। तेल गरम करने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा आटा डाल के देख लेंगे। आप देख सकते हैं एकदम धीरे से बबल्स हुआ और आटा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। उतना ही मीडियम तेल गरम करना है। घुघरा मैंने भर के रेडी कर दिया है, अभी हम इसे फ्राई कर लेंगे। मीडियम गरम तेल में डाल के फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखना है और तुरंत इसे चलाना नहीं है। थोड़ा फ्राई हो जाए तभी इसे फ्लिप कर लेंगे। एकदम धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। वापस एक बार पलट लेंगे। एकदम थोड़ा सा लाइटली कलर चेंज हुआ है, लाइट ब्राउन हो गया है तो निकाल लेंगे। इस तरह से हम सभी घुघरा को फ्राई करेंगे। जो घुघरा हमने पहले भरा है वहां से हमें फ्राई करना चालू करना है। इसे तेज आंच पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, एकदम धीमी आंच पे ही फ्राई करना है तो ये एकदम अच्छे से क्रिस्पी बनेगा। अगर आपको ऐसा लगे कि घुघरा फ्राई करते करते तेल थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो आप फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रख के इसे फ्राई कर सकते हैं। ये हो गया है, इसे निकाल लेंगे। एकदम खस्ता और क्रिस्पी घुघरा बन के रेडी हो गया है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।